Hi friend, Assalamualaikum and welcome to TLS Teach Learn School Introduction to HTML के इस जो हमारी वीडियो है इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो वीडियोस में देख लिया इंट्रोडक्शन भी और हेडिंग भी। अब हमारी जो वीडियो आ रही है उसका नाम है पैराग्राफ, जो थर्ड हमारी वीडियो है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि ये क्या होता है पैराग्राफ। तो नाउ गो टू द टेक्स्ट एडिटर लाइक आई सबलाइम। तो मैं अपने सबलाइम एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे हम चेक करते हैं अपने इस कोड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोड टाइप करेंगे क्योंकि हमने जो इसमें पिछली हेडिंग में हमने देखा था हेडिंग्स के बारे में, तो मैंने एक हेडिंग का टैग लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैरा GRAPHS ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई एक पैराग्राफ लिख देता हूँ तो उसका टैग हमेशा होता है पी से स्टार्ट होता है और पी पे एंड होता है। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग और इसमें छोटा सा एक पैरा लिख देता हूँ, आई लव प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन जावा एंड अदर्स। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मल्टी टाइम इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, लुक लाइक जो ये जो पैरा होता है उस टाइप में। तो इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव किया और राइट क्लिक जहाँ पे मैं करूँगा ओपन इन ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमें आउटपुट शो करवाए देगा। वो हमें पूछ रहा है कि आप अपने कौन से ब्राउज़र में ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैं गूगल क्रोम में उसको शो करवाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो H1 का जो हमारे पास टैग मैंने लगाया था ये उसका आउटपुट हमें बता रहा है, और ये जो मैंने P टैग लगाया था जो पैराग्राफ टैग है ये उसके बारे में हमें बता रहा है कि आपने ये ऐसे किया है तो आपको ये मिला है, ठीक है। जो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जो ये जो है ना ये मेरा पैराग्राफ, इसके अंदर मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, लुक लाइक यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसकी लाइन ब्रेक कर दूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है बी आर का टैग। अगर मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ तो उसको ये यहाँ से ना इसकी लाइन को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको जाके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ से इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इसे मल्टी टू टाइम्स इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकेंगे कि हाँ ये दो, ये देखिए हमारे पास दो टाइम में मैंने इस जो मैंने लिखा था ये पैराग्राफ उसको इसने क्या कर दिया है, टू लाइंस में ब्रेक कर दिया है। और अगर चाहते हैं कि मैं इसको और खूबसूरत बनाऊँ तो हमने एक एच आर का टैग लगा के लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे जहाँ से इसको इसके अंदर नीचे एक लाइन शो होगी। तो यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके नीचे ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, और मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एच टू, और मैं यहाँ पे स्लैश एच टू करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर ए पैरा जी आर ए पी एच ग्राफ टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करके इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस करके, और यहाँ से जाके मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए पैराग्राफ टू में हमें ये शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी ये मतलब सही नज़र सही समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ इसके स्टार्टिंग में इसको मैं पेस्ट कर दूँगा तो फ्रेंड लगता है कि आपको आपको सही समझ आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसके बाद भी मैं ये आपने आप पे डिपेंड करते हैं, जस्ट आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर भी एच आर का टैग लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ टैग्स को यूज़ करूँगा और उसका इस्तेमाल करूँगा। तो जस्ट लाइक आपने क्या करना है, एच वन के टैग में जाके इसकी जो एक सिंपल प्रॉपर्टी है अलाइन की, अलाइन में जाके सेंटर करना है, ठीक है।
और यहाँ से जाके आपने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप जैसे ही चेक करेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है वो सेंटर में आ गया है, जस्ट हेडिंग उसकी सेंटर में आ गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ये सेकंड पैराग्राफ है मैं इसको राइट कर दूं अलाइन राइट, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा राइट में आ गया है। तो ये जस्ट एक सिंपल पैराग्राफ की टेक्निक थी जो मैं आपको बताना जा रहा था। तो इसके अंदर यही है कि आप इसको मजीद मतलब खुद से, एक बंदा जब इसे सॉल्व करेगा तो उस चीज़ की हमें समझ आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा, ये जो पैराग्राफ की वीडियोस थी मैं जस्ट ने एक स्मॉल वीडियो बनाई है जिसमें आपको समझ आ जाए कि हम यूज़ कैसे करते हैं ये पैराग्राफ को टैग, और उसमें मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं। तो ये मेरा चैनल है टीच लर्न स्कूल, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसके अंदर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे क्वेश्चंस करें अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे मज़ीद टॉपिक्स के बारे में बताएं कि आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।